सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। भूल जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को। मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल। नए साल की शुभकामनाएं, एक खूबसूरती, एक ताजगी, एक सपना, एक सच्चाई, एक कल्पना, एक एहसास, एक आस्था, एक विश्वास, यही है एक अच्छे साल की शुरुआत। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। आज का पंचांग 1 जनवरी 2022, दिन शनिवार, पौष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, सुबह 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र शाम 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:51 से 11:10 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:09 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर शाम 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 1 जनवरी 2022, दिन शनिवार। हाल ही में हुई किसी हानि या नुकसान से आप अकेला और खिन्न महसूस कर सकते हैं। नए ज्ञान को हासिल करने के लिए आध्यात्मिकता या अलौकिक शक्ति के बारे में जानें। अधिक जोखिम लेने या मूर्खतापूर्ण कार्य से बचें। बदलाव जरूरी है इसलिए इसके लिए तैयार रहें। आज एक अच्छी मित्रता का रिश्ता बनने वाला है। यहाँ के दुश्मन भी दोस्त बनेंगे। यह रिश्ते कौशल, ऊर्जा और कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे। आपको लोगों को उत्साहित और उत्तेजित करने की जरूरत है। दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का भी योग है। सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते बल्कि कड़ी मेहनत से पूरे होते हैं। अपने घर से जुड़े किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। पिछले कुछ समय से चल रहा कोई पारिवारिक मामला सुलझाने का अनुकूल समय है। अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ फोन और मीडिया द्वारा अधिक से अधिक संपर्क में रहें। यह संपर्क आपके लिए उन्नति के नए मार्ग भी खोल सकते हैं। आपको अपने क्षमता का अंदाजा होने की वजह से विश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसी विश्वास की वजह से आप कुछ बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। वक्त का ठीक से इस्तेमाल करना सीखने की जरूरत है वरना बेकार के तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से या अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त हुए ज्ञान को अमल में लाने की वजह से बड़े काम को अंजाम तक पहुँचाना संभव होगा। परिवार के लोगों के साथ ठीक से चर्चा करके ही रिलेशनशिप संबंधित निर्णय ले। बुखार और सिर दर्द की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। साझेदारी में चल रहे काम की समीक्षा करें। निकट प्रियजनों की बात पर त्वरित व आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया ना दें। मानसिक तनाव से बचें। लेखकों साहित्यकारों के लिए उपलब्धिदायक समय रह सकता है। मित्र वर्ग का व्यवहार सहयोगपूर्ण भी रह सकता है। खास समाचार प्राप्त हो सकता है। हथियारों के कारोबारियों के लिए लाभकारी स्थिति रह सकती है। सड़क ठेकेदारों के लिए अधिक अनुकूलता रह सकती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द रह सकता है। बड़े भाइयों के साथ तालमेल गड़बड़ा सकता है। सरकारी पक्ष से प्रतिकूलता रह सकती है। खोपड़ी का दर्द भी रह सकता है। यदि बड़ी बेटी है तो अधिक लाभकारी स्थिति रह सकती है। सहायक श्रेणी के कार्मिकों के लिए तुलनात्मक रूप से अधिक भागा दौड़ी व परेशानी रह सकती है। रक्त संबंधी समस्या भी रह सकती है। सावधानियां।
प्रॉपर्टी अथवा वाहन से संबंधित कोई परेशानी आने से खर्चे बढ़ सकते हैं। यह समय बहुत ही सूझबूझ से व्यतीत करने का है। अपनी योजनाओं पर पूरी तरह से विचार करके ही उस पर कार्य करें। क्रोध और ईगो जैसी कमियों पर काबू पाना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा। एक दूसरे से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपने स्वभाव में बदलाव लाना जरूरी है। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। यह दिन आपके लिए शानदार दिनों में से भी एक है। हालांकि पिते या किसी खास की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। लव के हिसाब से आज आपके सब सपने पूरे होंगे। लंबी चैट हाथों में हाथ लेकर घूमना या एक ड्राइव आपको किसी कल्पना लोक में ले जाएगी। आज का दिन नए दोस्ती और अच्छे संबंधों को अनुभव करने का दिन है। आपके विरोधी भी आज आपको सराहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे में अपने जीवन साथी को ना भूलें, क्योंकि वो आपको जीवन के हर रास्ते पर प्रोत्साहित करेगा। उसे अपने प्यार की निशानी भी दे, इससे आपके बीच का विश्वास और अंतरंगता बढ़ेगी। आज के दिन पुरानी बातों को दफन करने का समय है, क्योंकि यथार्थवादी प्रभाव आपकी जिंदगी में आएंगे। नई शुरुआत सभी मोर्चे पर संकेत दे रही है। आप एक दूसरे को प्यार करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को नवीनीकृत करेंगे, या आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिससे आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। आपको ये पहचान करने की जरूरत है कि कौन सी चीज आपको पीछे की तरफ ढकेल रही थी, ताकि आप उसे छोड़कर आगे की तरफ अपनी जिंदगी को ले जा सके। बात करते हैं करियर की। कुछ समय से अपने कार्यालय में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी आज आपको अपने मालिक की नजरों में काफी ऊपर उठाएगी। पदोन्नति भी आपका इंतजार कर रही है, परंतु सहकर्मियों की द्वेष एवं जलन आपका मन खराब कर सकती है। यह आपके लिए एक मुश्किल चुनौती की तरह है, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीज आपके मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव ना डाले। अपनी इच्छा और मानसिक शक्ति से आप किसी भी मुश्किल कार्य को आसान व किसी भी बुराई का सामना कर लेंगे। किसी प्रिय की बीमारी या नुकसान की स्थितियों से आप असहाय महसूस कर सकते हैं। आज आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी मदद करेंगे। जीवन के इस चरण में लोग आपकी सफलता में योगदान देंगे, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए अच्छा समय है। लोगों को वो दे जो उन्हें चाहिए। दो मीठे बोल भी लोगों को खुश कर सकते हैं। नए साल के दिन में आप नई शुरुआत कर सकते हैं। घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। कार्यस्थल पर आज किसी विशिष्ट व्यक्ति से भी मुलाकात अथवा बातचीत हो सकती है, जो कि फायदेमंद साबित होगी, परंतु बहुत अधिक मेहनत की भी जरूरत है। नौकरी पेशे वर्ग को कोई उपलब्धि मिलने के योग भी बन रहे हैं, साथ ही पदोन्नति की भी संभावना है। बात करते हैं सेहत की। आपकी स्वयं के लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आ सकती है। खांसी जुकाम की समस्या बढ़ने ना दे तथा उचित इलाज ली। आपके आसपास कोई आज बीमार अनुभव कर रहा है, आपको इसकी काफी देखभाल करनी भी पड़ सकती है, लेकिन चिंता ना करे, आपके उसकी मदद करने से आपका भी कुछ अच्छा ही होगा। आपको आज छोटे मोटे संक्रमणों से सावधान रहना होगा। आपके लिए अपनी खुद की या किसी करीबी की छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज करना भविष्य में महंगा साबित हो सकता है। आज का उपाय, आज अब गरीब बच्चों को दान पुण्य करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।